नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं पिछले कुछ लेसन से आपको पढ़ा रहा हूं, तो डिफरेंट ग्रहों की महादशा में डिफरेंट ग्रहों की अंतरदशा अगर हो तो उसके फल कैसे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हर किसी की कोई ना कोई महादशा चल रही होती है, कोई ना कोई अंतरदशा चल रही होती है, तो उसका फल कैसा मिलेगा अगर उस चीज को जानना हो तो ये जो पाठ मैंने पढ़ाए हैं इनको देखिए। आज मैं राहु में गुरु की अंतरदशा के बारे में बताऊंगा कि राहु की महादशा हो और उसमें गुरु की अंतरदशा हो तो किस तरह के फल मिलते हैं। ऋषि पाराशर ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है गुरु की अंतरदशा के बारे में कि राहु की महादशा हो और गुरु की अंतरदशा हो। और गुरु कहाँ हो, वो कहते हैं राहो और अंतर्गते जीवे लग्नात केंद्र त्रिकोण गे। मतलब ये कहते हैं कि राहो और अंतर्गते यानी राहु की महादशा में जीवे मीन्स गुरु की अंतरदशा हो और गुरु कहाँ हो, लग्नात केंद्र त्रिकोण के यानी लग्न में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, स्वोच्च उच्च राशि में हो, स्व क्षेत्र के अपनी राशि में हो, वापी तुम स्व रक्षा अग्जे हेपी यानी उच्च राशि में हो तो क्या होता है, स्थान लाभम स्थान का लाभ होता है, मनोधैर्यम धैर्य की वृद्धि होती है, शत्रु नाशम शत्रु का नाश होता है, महत सुखम बहुत सुख मिलता है, राज प्रीति करम राजा से प्रीति मिलती है, गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिलती है, जहां भी आप जॉब करते हैं जहां भी आप सर्विस करते हैं आपको वहां पर प्रमोशन मिलता है, सौख्यम जनो अतीव समुन्नते और वहां आपको जिन जीवों का आपको आदर मिलता है, सब कुछ बढ़िया मिलता है अगर राहु की महादशा में किसकी अंतरदशा हो, राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा हो और गुरु लग्न में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, स्वच्छ उच्च राशि में हो, स्व क्षेत्र में हो या उच्च राशि में बैठा हो तो भी आपको ये सब सुख मिलते हैं। फिर वो कहते हैं दिने दिने वृद्धि रपे स्थितेपेक्षे यशि तथा वाहनादि धनम भूरी ग्रहे गोधन संकुलम नेत्रत्य पश्चिमे भागे प्रयाणम राज दर्शनम युक्त कार्यार्थ सिद्धि स्यात स्वदेशे पुनरिष्यति उपकारो ब्राह्मणाम तीर्थयात्रा कर्मणाम वाहन ग्राम लाभ देव ब्राह्मण पूजनम। यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ ये बोलते हैं कि दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है, किस चीज की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, दिन प्रतिदिन धन की वृद्धि होती है, सुख संपत्ति की वृद्धि होती है, वाहन का लाभ मिलता है, वाहनादि धनम भूरी ग्रहे गोधन संकलम जो गोधन है यानी पहले जमाने में बोलते थे कि भाई गाय बहुत होंगी इनके यहाँ गोधन होगा तो गोधन का संकुलम गोधन बढ़ता है आपका यानी कि धन धान्य की वृद्धि होती है। आप ऐसे लेके चलिए आज के जमाने में कि धन धान्य की बहुत वृद्धि होती है, वाहन आदि की वृद्धि होती है। पश्चिम भाग में आपका दशा में आपका प्रयाण हो सकता है, आप जा सकते हैं। और इसके अलावा इसमें ये दिया हुआ है ब्राह्मणों का उपकार आप करेंगे, तीर्थ यात्रा आप कर सकते हैं, पुण्य संचय आप करेंगे, आपको देवताओं ब्राह्मणों में भक्ति मिलेगी, संतान उत्पत्ति घर में हो सकती है, घर में उत्सव हो सकता है, सदैव मिष्ठान के भोजन की प्राप्ति होती रहती है। तो ये बृहस्पति की दशा अंतरदशा है और राहु की महादशा है। और बृहस्पति अगर कहाँ हो, लग्न से केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो, उच्च राशि में हो, स्व क्षेत्र में हो या स्व नवांश में हो, तब ये सब चीजें लाभ प्राप्त होते हैं। स्थान का लाभ प्राप्त होता है, धैर्य प्राप्त होता है, शत्रु नाश होता है, बहुत सारा सुख मिलता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, गोधन की वृद्धि होती है, राजा की कृपा मिलती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर गुरु की अंतरदशा है और गुरु इन भावों में बैठा हुआ है लगन से तो ये सब फल मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है यदि बृहस्पति लग्न से केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, उच्च राशि हो, ये तो हमने बता दिया आपको। अब कहते हैं यदि बृहस्पति नीचे व अस्तगते वापी षष्ठा अष्टमीय वे राशि के नीचे यानी नीच राशि में हो वा अस्तंगते यानी कि अस्त हो, यदि बृहस्पति नीच राशि में हो अस्त हो वापी षष्ठ व्यय राशि के यानी कि छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो या बारहवें भाव में हो, त्रिक भाव में हो, यदि बृहस्पति इसके विपरीत यदि बृहस्पति नीच राशि में हो, छठे आठवें बारहवें भाव में हो, शत्रु के क्षेत्र में हो, पाप युक्ते पाप ग्रह से युक्त हो तो धन हानि निर्भविष्यति, तो इसके अंतरदशा में धन की हानि होती है, कार्यों में विघ्न होता है, कर्म विघ्नो भवितस्य मान हानिश्च जायते,
आपके मान की हानि होती है, यश की हानि होती है, ऐसे में पंती और संतान को कष्ट रहता है, तो ये दशा कष्ट कारक जाती है। यदि बृहस्पति नीच राशि में है, अस्त है या छठे आठवें बारहवें भाव में बैठा हुआ है, तो ये सब दशा का फल होता है। फिर कहते हैं कलत्र पुत्र पीड़ा चय हृदय रोग राज कार्य कृत दायशात केंद्र कोणे व लाभे व धन गे अपी व दूसरी चक्के बल संपूर्णे गृह क्षेत्रादि वृद्धि कृत भोजनाम्बर पशुआदि दान धर्म जपादिकम भुक्ति अंते राजगोपाच्य दिमास देह पीड़नम। यानी ये बोलते हैं यदि बृहस्पति, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा डिफरेंस हो गया, वहां पर तो ये था कि राहु की महादशा है और बृहस्पति की अंतरदशा है, बृहस्पति लग्न से केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है। अब ये कह रहा है कि यदि बृहस्पति बलि हो और वो महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में हो या द्वितीय भाव में हो या तृतीय भाव में हो तो क्या होगा। अगर बृहस्पति बलि हो और वो महादशा स्वामी से, आप ये समझ लीजिए छठे आठवें बारहवें भाव में ना हो, केंद्र त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो, द्वितीय भाव में हो, तृतीय भाव में स्थित हो, तो इसकी अंतरदशा में क्या मिलेगा, घर मिलेगा, भूमि आदि की वृद्धि होती है, लाभ मिलता है, धन गेय पीवा धन की वृद्धि होती है, साथ ही साथ धन लाभ वस्त्र पशुओं का लाभ मिलता है, दान धर्म जनपाति में वृद्धि होती है, भोजनाम्बर पशु आदि। लेकिन अंतरदशा के अंत में भुक्ति अंते मीन्स अंतरदशा के अंत में राजकोपाच द्विमास देह पीड़नम, राजा का कोप प्राप्त हो सकता है आपको, जहां आप सर्विस करते हैं वहां से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, शरीर में पीड़ा हो सकती है, ये सब चीजें आपको हो सकती हैं, माता पिता को कष्ट हो सकता है अगर बृहस्पति महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हो या द्वितीय या तृतीय भाव में, तो ये दशा के अंत में ऐसा हो सकता है, अदरवाइज दशा के स्टार्ट में और दशा के मिड में तो ग्रह लाभ होगा, भूमि लाभ होगा, धन लाभ होगा, वस्त्र पशुओं का लाभ होगा, धन धर्म जपादि में प्रवृत्ति बढ़ेगी आपकी, लेकिन दशा के अंत में ये सब चीजें हो सकती हैं, तो दशा के अंत में ध्यान रखना जरूरी है जिन लोगों की राहु की महादशा हो और बृहस्पति की दशा हो और बृहस्पति महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण लाभ भाव या सेकंड या थर्ड भाव के अंदर बैठा हो। फिर कहते हैं ज्येष्ठ भ्रातुर्विनाशश्च मात्र पित्रादि पीड़नम, ये तो पीछे पढ़ा दिया आपको कि ज्येष्ठ भ्राता के लिए पीड़ा होती है, मात्र पित्र को पीड़ा हो जाती है, वो उसी श्लोक का था वाला सर। अब ये कहते हैं तद भुक्तो धन हानि स्यात देह पीड़ा भविष्यति द्वितीय धन नाते वा। अच्छा इसमें आप आ जाता है, देखिए द्वितीय भाव बोलते हैं सेकंड भाव, धन नाते ये बोलते हैं सेवंथ भाव। अगर द्वितीय भाव में बृहस्पति हो, बृहस्पति यदि महादशा स्वामी से छठे आठवें बारहवें भाव में हो, पहले तो ये देखिए दायशात षष्ठ रंध्रे वारिफे, षष्ठ रंध्रे छठा और आठवां रंध्रे रंध्र भाव बोलते हैं आठवें को, वारिफे बारहवां भाव में हो, पाप संयुक्त हो, यानी बृहस्पति महादशा स्वामी से छठे आठवें बारहवें भाव में हो, अभी नहीं, अब देखिए पहले था बृहस्पति लगन से छठे आठवें बारहवें भाव में हो, अब है कि बृहस्पति महादशा स्वामी से छठे आठवें बारहवें भाव में हो और पाप ग्रह के साथ हो, तो इसकी अंतरदशा में तद भुक्तो धन हानि, धन की हानि होती है, स्यात देह पीड़ा भविष्यति, भविष्य में देह की पीड़ा होती है, अब मृत्यु का भय रहता है। अब ये कहते हैं द्वितीय दुन्नाते वा, अगर बृहस्पति सेकंड भाव का या सेवंथ भाव का स्वामी हो, मरक भाव आ गया दोनों, इसके लिए बोलते हैं अगर बृहस्पति सेकंड भाव का और सप्तम भाव का स्वामी हो तो अप मृत्यु का भय हो जाता है, तो ऐसे में स्वर्णस्य प्रतिमा दानम शिव पूजाम से कार्य, अनिष्ट निवारण के लिए भगवान शंकर की स्वर्ण की मूर्तिमा बनवा कर उनका पूजन करने से देह रोग्यम प्रकृते शांति कुर्याद विचक्षण, पूजन करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर आरोग्यता प्रदान करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि बृहस्पति यदम महाशय स्वामी से छठे आठवें बारहवें भाव में हो और पाप ग्रह से युत हो तो इसके अंतर दशा में धन हानि तथा शारीरिक पीड़ा होती है, और यदि बृहस्पति सेकंड लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड हो तो उसकी अंतर दशा में अपमृत्यु का भय रहता है, ऐसे में अनिष्ट निवारण हेतु भगवान शंकर की स्वर्ण की प्रतिमा बनवाकर उसका पूजन करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर आपको आरोग्य प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं ये राहु की महादशा में बृहस्पति की दशा का फल आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।